आदमी के पास सब कुछ होगा। यहां कोई गरीब है क्या? गरीब वो होता है जिसके पेट पर भूख हो और रोटी की व्यवस्था ना हो, वो गरीब है। अब यहां आकलन कर लो, गरीब कौन है? गरीब कौन है जिसको भूख और रोटी ना मिल रही हो? यहां समस्या यह है कि दो की भूख है तो तीन कैसे कर लें, तीन को चार कैसे कर लें, चार को आठ कैसे बना लें? वो बात अलग है, किसी के पास दो की आवश्यकता चार रोटी है, किसी को दो की आवश्यकता तो 14 रोटी है। इसलिए कह रहा हूं मैं, सौनकादि ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न आया कि ये मनुष्य के पास कलयुग में सब कुछ प्राप्त होगा, धन होगा, घर होगा, व्यापार होगा, आभूषण वस्त्र आदि भी होंगे, यदि नहीं होगा ना तो वो है केवल समय। समय की प्राप्ति नहीं है कलयुग में, इसलिए किसी को कोई भी काम कहो वो एक ही बात कहता है, क्या करें टाइम ही नहीं है। कुछ भी कहे तो क्या है, टाइम ही नहीं, समय की अल्पता है। कथा में चलोगे हाओ चल रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, दो दिन बाद आएंगे, दुकान बंद करके आएंगे, खाना बनाकर आएंगे, खाना खाकर आएंगे, सब जगह किसकी मारामारी है भैया? समय की। ये कमी सबके पास है। सौनकादि ऋषि विचार कर रहे हैं कि हम यज्ञ हवन कर रहे हैं, हजारों वर्ष से आहुतियां स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हैं, कलयुग में आदमी तो ये करेगा ही नहीं। छोड़ो तो छोड़ो, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाकर भगवान को प्रणाम करके आए। ये भी छोड़ो, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम गाड़ी से या पैदल से मंदिर के बाहर से जा रहे हैं तो बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर लें, इतना भी टाइम नहीं है। क्या टाइम? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग विट्ठल भगवान के मंदिर से पार होते हो, प्रणाम करते हो? दो चार दस बीस आदमी, बाकी बोलते रोज ही तो बैठे हैं भगवान, क्या प्रणाम कर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जीव के पास सब कुछ है, नहीं है तो वो केवल समय नहीं है, समय की अल्पता है। और इस समय की अल्पता में भगवान का भजन कैसे हो जाए, यही प्रश्न वो कर रहे हैं। कहने लग गए, हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभु, अख्याहि मे कथा सारम, पुराणानां विशेषतम। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, गुरुवर आप हमको वैसी कथा बताइए, अख्याही में कथा सारम, आप अब वो कथा बताइए। कौन सी कथा? पुराणानाम विशेषतम, जो नाना प्रकार के पुराणों में कोई विशेष पुराण हो। भिन्न भिन्न पुराण व्यास जी ने रचना की, उन भिन्न भिन्न पुराणों में विशेष पुराण कौन सा है? आपने हमें लगातार कई पुराणों की कथाओं को सुनाया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जीवश्चासुतम् प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविहार, तस्य संशोधने किम् हि विद्यते
परमायणम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जीवश्चा सुतम प्राप्ता, मनुष्य का जन्म होता है लेकिन वैसा मनुष्य कैसा? प्रायो घोर कला विहार। ये कलयुग के घोर काल कलयुग में जब मनुष्य का जन्म हो जाता है या हुआ है, तस्य संशोधने किम हि। इस घोर कलयुग के प्रभाव के कारण सदाचारी व्यक्ति भी व्यभिचार को देख करके सदाचार का त्याग करके व्यभिचार में मस्त हो जाता है। ऐसे इस घोर कलयुग से बचने का उपाय क्या है? इस घोर कलयुग में जन्म मृत्यु के समुद्र से निकलने का उपाय क्या है? चूंकि कलयुग का प्रभाव है, कलयुग अपने प्रभाव को दिखाएगा। जैसे आंख जो भी देखती है वो मन में चिंतन और विचार करता है, कान अच्छा सुनता है तो प्रसन्न होता है, कोई गाली देता है तो नाराज हो जाता है, जिभ्या तीखा खाती है तो तीखा लगता है, मीठा खाती है तो मीठा लगता है। उसी प्रकार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। और कलयुग का ही प्रभाव है बंधुओं, बुरा ना मानना यदि कोई शराब पीता हो तो, बुरा ना मानना धीरे से खैनी दाब लेते होगे तो, और बुरा ना मानना धीरे से फोन में झूठ बोल देते होगे तो, ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि कलयुग में धर्म लुप्त होगा, व्यभिचार प्रथम पर चरण पर आ जाएगा, यह कलयुग का बंधुओं प्रभाव है। और कलयुग का प्रभाव वहां नहीं होता है जहां भगवान की कथा चल रही होती, इसलिए वो पूछने लग गए कि आप हमको ये बताइए, जो कलयुग के प्रभाव से हमको बचा करके रखे, घोर कलयुग में जीव का जन्म तो हुआ ही है, अब जन्म हो गया है तो जन्म तो भैया अब जीना पड़ेगा,